वैसे राकेश ने एक प्रश्न उठाया कि विदेशी पत्रकारों ने भारतीय चुनाव के अंदर इतनी रुचि क्यों ली। अमेरिका में हार्वर्ड में हमारे होने वाले एक प्रधानमंत्री को प्रशिक्षित किया। भारत में इस समय जितने ऊंचे पद हैं बहुत वर्षों से पिछले 30-40 वर्ष से केम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का तो वो स्थान रहा नहीं परंतु हार्वर्ड का स्थान रहा। उन्होंने उसको प्रशिक्षित किया, उसको विशेष रूप से राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के कथन के ऊपर वहाँ प्रवेश। तो न्यूयॉर्क टाइम्स या कोई और अमेरिकन या फिर विदेशी पत्र यदि लिखता है कि भारत वर्ष के अंदर एक नए ढंग का प्रधानमंत्री आ रहा है तो उनको दुख उनका व्यक्ति नहीं। और इसका बड़ा सुंदर एक किसी ने उसी पत्रकार ने लंदन में एक लेख लिखा, उसमें लिखा नाउ द ब्रिटिश लेफ्ट। उसका अर्थ क्या हुआ, उससे पहले अंग्रेज राज करते थे 2013-14 तक तो ये थोड़े से दूर करते थे क्योंकि उनकी जो मनीषा थी वो सारी उधर से। ये प्रश्न क्यों था, पिछले 200 वर्षों में यूरोप में प्रयत्न पूर्वक केवल मैं कॉलेज में नहीं प्रयत्न पूर्वक यत्न किया यूरोपियनाइजेशन ऑफ द अर्थ उनके शब्द लेकर सारे के सारे संसार में यूरोप की संस्कृति का टूट गया। उनको इस क्षेत्र में बहुत सफलता मिली, सबसे बड़ी सफलता भारतवर्ष में। इंडोनेशिया में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, थाईलैंड में बहुत कम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, चीन में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, जापान में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, केवल भारतवर्ष में कहीं भी चले जाइए अंग्रेजी बोलते हैं। उन्हें लगा भारत एक ऐसा देश है जहाँ का प्रधानमंत्री हार्वर्ड के नियंत्रण का नाम नहीं है, आप सब जानते हो। मेरे पास एक जापान के पत्रकार है, चुनाव चल रहा था, मुझसे पूछने लगे मोदी जी सफल होंगे कि नहीं होंगे। मैं क्या क्यों नहीं सकते, देखो दो तीन बातें पत्रकार को समझाया। पहली बात ये है कि हमारे देश में परिस्थितियां ऐसी हो गई कि बहुसंख्या जो है उसका जीना कठिन हो गया, महिलाओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं कौन कर रहा है कोई समाचार पत्र उसका नाम नहीं लिखता, इसके पीछे किसका हाथ। लेकिन दूसरी बात, भारतवर्ष में 2 लाख के लगभग एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नियंत्रण कहाँ से होता है, उनका पैसा कहाँ से आता है। मैं कहा पत्रकार हैं आप जानते हैं पैसे का स्रोत तो एक ही देश है, वहां से आता है डॉलर छप जाता है कागज में क्या है। मैं कहा तीसरी बात, आप लोगों ने जापान में पहली बार एक विशेष शब्द प्रयोग किया है डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ द 21st सेंचुरी, कि ग्लोबलिज्म जो है जो वैश्वीकरण है वो वास्तव में संसार का अमेरिकीकरण है। उसका प्रारंभ कहाँ से होगा, भारत की पुण्य भूमि से होगा, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री उनका व्यक्ति होगा। तो जितने आप समाचार पत्रों में श्रद्धेय मोदी जी का विरोध देखते हैं वो उनका व्यक्तिगत विरोध नहीं है, वो सब जानते हैं उन्होंने गुजरात में क्या चमत्कार किया। मेरे से मिलने आते हैं तो उसकी चर्चा भी करते हैं कि ये भारत में कैसे संभव है, परंतु जब उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन गए तो सोचने का
एक विशेषता है संसार के अंदर भारत की कि भारत में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की विशेष प्रतिभा। चीन में जाएंगे उनसे भी पूछेंगे कि भारत के दो सबसे उत्कृष्ट गुण क्या है, तो कहते हैं एक तो सॉफ्टवेयर और दूसरा योग। एक में शरीर है और दूसरे में मन है, एक में तन है तो दूसरे में मन है। जो भारत की चिंतन की सूक्ष्मता है उस तक कोई पहुंचता नहीं। अमेरिका में आप देखिए भारतीय बच्चे कितने ऊंचे जा रहे हैं, बड़े बड़े विशिष्ट क्षेत्र में जा रहे हैं। छोटी छोटी आयु के बच्चे हैं वो उनको विश्वविद्यालय उपाधियां दे रहे हैं। क्यों? हमारे यहाँ 16,000 वर्ष ऋग्वेद के जो सबसे प्राचीन अंश है उनको पुरातत्व वेताओं ने 16,000 वर्ष के कहा है। उसमें अनेक प्रमाण हैं, अनेक बातें हैं। तो ये जो भारत का पत्र, विदेशी पत्रों में भारत का विरोध हुआ, ये वास्तव में वो विरोध इसलिए हुआ चीन ने अमेरिका का, यूरोप का साथ नहीं दिया, पाश्चात्यकरण का साथ नहीं दिया, जापान ने पाश्चात्यकरण का साथ नहीं दिया यद्यपि वहाँ बहुत लोग ईसाई हैं, कोरिया ने पाश्चात्यकरण का साथ नहीं दिया यद्यपि वहाँ अधिकांश लोग ईसाई हैं। तो उनके सामने प्रश्न उठता है कि हमारा आधिपत्य से जगत के ऊपर कैसे रहेगा, आधिपत्य की आवश्यकता क्यों, ये प्रश्न था। तो भारतवर्ष में जब मोदी जी की चर्चा हुई मेरे से बहुत लोग पूछने आते थे, मैं कहता था एक बात है, मोदी जी का जो चमत्कार है गुजरात के अंदर वो प्रभावित करता है। जब मोदी जी के बारे में लोग सोचते हैं कि वो भारत की अस्मिता को सुदृढ़ करेंगे, भारत की मान्यताओं को, भारत के चिंतन को, मैं उसकी परिभाषा नहीं करता। चिंतन जो है वो समय से दिक काल बाधित है, कंडीशन बाय टाइम एंड स्पेस, तो उसके अंदर दोनों तत्व तो काम करेंगे, परंतु फिर भी उसके अंदर जो सनातन है वो मुख्य तत्व होगा। तो मोदी जी के चिंतन में जो सनातन का तत्व है उसकी जो गरिमा है वो जो है वो भारत को ऊंचे से ऊंचे शिखरों को, उसका उदाहरण मैं दिया करता हूँ विदेशी पत्रकारों को। जिन देशों ने ये परिवर्तन अमरीकावाद स्वीकार नहीं किया, ग्लोबलिज्म स्वीकार नहीं किया, वो सबसे अधिक उन्नत राष्ट्र चीन है, सबसे पहले जापान है, दूसरा दक्षिण कोरिया है, तीसरा चीन है, उनकी भाषा स्वीकार नहीं। जिस समय हंटिंगटन की बात की चली, हंटिंगटन शॉक कहते थे जापानियों से, हंटिंगटन शॉक में जापानियों के पास अमेरिका के लोग आए, कहने लगे हमारे और आपके बीच में संघर्ष का एक तत्व तो है भाषा, यदि आप अंग्रेजी भाषा स्वीकार कर लेंगे तो हमारा और आपका संघर्ष मिट जाएगा। जापानियों ने कहा ठीक है हम अंग्रेजी भाषा स्वीकार कर लेंगे, परंतु अमेरिका की एक स्टेट भी बनेंगे और हमारे कांग्रेस में भी और सेनेट में भी दोनों में बहुमत होगा और अमेरिका भी हमारा राज्य होगा, अमेरिकन पीछे। मोदी जी जब आते हैं पहले प्रधानमंत्री हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते, मुझे पता वो समझते हैं, बोल भी रहते हैं, परंतु देखिए जो उनका हिंदी पर अधिकार है वो अंग्रेजी पर अधिकार है। पहले प्रधानमंत्री देखा, जापान का प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बोलता, चीन का प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बोलता, कोरिया का प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बोलता, फिर इतने उन्नत राष्ट्र में इतने आधुनिक हैं, वो इतने आधुनिक क्यों है? क्योंकि उनकी आधुनिकता अस्मिताओं की जड़ों में नहीं होती, वो शिखरों में नहीं होती, जड़ों में नहीं होती। जब अपनी भाषा बोलेंगे सीधा संबंध अपने देश से होगा, अपनी जनता से होगा, जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आपका संबंध अपने देश से पूरा। सच में गया तो जी के बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष, हम लोग भोजन में बैठे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, बरुआ जी बोले मुकेश जी आप छुरी काटे से खाते थे, आप सुन सकते हैं पतंग की पराकाष्ठा। उनका बरुआ जी, मैं यूरोप में पढ़ा, आप यूरोप में नहीं पढ़े, छोटा सा मुंह निकल गया,
मैं तो फिर भी थोड़ी कांटे से नहीं खाऊंगा क्योंकि आपने कह दिया आप खा सकते हैं तो नहीं खा सकते थोड़ी कांटे से नहीं। मैंने थोड़ी कांटा उनकी रेत के पास तो नहीं नहीं आप इससे मत हो क्योंकि नहीं आप क्रोध नहीं है मेरा ये आपको कहना चाहता हूँ आप भारत के सबसे बड़े राजकीय दल के अध्यक्ष और आप ये बात करते हो भारत की बात करती कर सकते आप भारत को दिक्कत करते हैं तो इस देश के अंदर मोदी के बहुत लोग मेरे से बात करके आते थे चुनाव से जापानी भी आते थे अमेरिकन भी आते थे इटालियन भी आते थे जर्मन भी आते थे इनको यही बात कहता मैं कहा जर्मनी में आप जर्मन भाषा बोलते मेरा पहला प्रधानमंत्री है जो गौरव से हिंदी में भाषण देता है गौरव से और शक्ति के साथ भाषण देता है उसके अंदर एक गहराई है जिस समय वो भारत की एक दिव्यता की चर्चा करता है उसके अंदर एक प्राण है राष्ट्र का सहस्राब्दियों का प्राण है। मैं कहा मोदी ने चमत्कार तो किया ही है गुजरात में आर्थिक प्रकार से आधुनिक कितना आधुनिक किया मैं कहा आप लोग कहते हैं वो कमीने ले कहाँ कमीने गांधी जी के साबरमती आश्रम को कांग्रेस ने इतने वर्षों के बाद में कभी सुधारा नहीं मोदी ने उसको भव्य स्थान बना दिया वहां लोग दर्शन करने लगते हैं कहा वो तो बीजेपी का नहीं है साबरमती आश्रम तो महात्मा गांधी का है तो आप उसको कैसे कहते हैं कि वो किसी एक दल का वो कमीना नहीं तो ये जो सब चिंतन है विदेशी पत्रकारों का ये उनकी जो पराजय हो गई भारत में एक हार्वर्ड का प्रशिक्षित उनका प्रधानमंत्री आता और भारत एक पत्रकार ने उनका नाम लोग आप बहुत जानते हैं तो मुझे बोले 50 वर्ष में भारत ईसाई हो जाएगा वो जो आपका स्वप्न था वो सब भारत का जो सहस्राब्दियों का स्वप्न है वो जीता है जागता है नए जीवन की खोज में और मैं कहा देखो जापानी लिटरेचर जापान में 3 बार क्रांति हुई नई की रेस्टोरेशन आया 1868 उस समय जापानियों ने अपनी नीति बनाई क्या कहा Japanese spirit and Western technology. Japanese spirit and Western technology. वहां अमेरिका के लोग आए उन्होंने संधि की आज तक उन्होंने जापानियों को परास्त किया परंतु आज भी जापानी जो है उस घटना का अभिनंदन करते हैं अभिनंदन कैसे करते हैं सेरेमनी ऑफ द ब्लैक शिप्स अमेरिका के जो जलयान आए थे उनको ब्लैक शिप्स काले जहाज कहते हैं उसका स्मरण करते हैं अमेरिका से इतनी घृणा है उनके मन में उस घृणा को प्रकट करते हैं काव्य के मतलब मोदी जी का भी जो काव्य है उसके पीछे एक शताब्दियों का क्रंदन भी और उसमें एक भविष्य के बंधन की खोज फिर जापानी दूसरा विश्व युद्ध आ गए 1946 उनको उन्होंने क्या कहा अपने देश को कल्चर नेशन उनका का कि हमारे देश की नीति क्या है हम लोग सैनिक शक्ति नहीं बना सकते हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए सेना नहीं रख सकते ओकिनावा में अमेरिका के जो सैनिक हजारों सैनिक हैं उनको हम लोग पैसा देते हैं वेतन देते हैं वॉर रेपरेशन तो हम क्या हमारे पास है क्या हमने कहा हमें कल्चर नेशन उस कल्चर नेशन का स्वरूप क्या था और ये बहुत बड़ी स्थान है यासुकुनी श्राइन मैं यासुकुनी श्राइन में गया कोई 5 लाख लोग जो युद्ध में मरे हैं उनकी स्मृति चिन्ह वास्तव में शरीर तो बहुत कम है परंतु स्मृति चिन्ह बहुत उसमें जो घूमता व्यक्ति एक अद्भुत शक्ति है और जापान का प्रधानमंत्री जापानी वेश पहनकर यासुकुनी श्राइन में नहीं जा सकते इसी प्रकार से मोदी जी का विरोध भारतीय देश भारतीय भाषा
भारतीय राजनीतिक शब्दावली भारत और नर्मदा को जीवित करने वाली सरस्वती को जीवित कर भाग्यशाली तो जापानियों ने अपने को कल्चर जापान के सामने समस्या आती है तो 1998 7 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री अपने देश के भविष्य को क्या कहा मोदी जी कहते हैं कुछ तो मुझे जापान की शरण चीन की शरण कि देश का संस्कार जो है यदि वो जीवित है तो देश शिखरों को छूएगा उसके अंदर एक इच्छा होगी शिखरों को छूने की उस संस्कार को सुरक्षित रखने की। अंदर बहुत विकास हो गया बहुत पैसा है परंतु पिछले राष्ट्रपति के चिंताओं के कमी अनुभव हुई कि हमारे देश के संस्कार घटता जा रहा है हमारी भाषा के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही है भाषा के प्रति। उन्होंने हार्वर्ड से प्रोफेसर टू को बुलाया प्रोफेसर टू कन्फ्यूशनिज्म पढ़ाते थे हार्वर्ड में दिल्ली में आए नेशनल सेंटर में छठ ठहरे हुए थे मेरे से बात की थी तो मुझे कहने लगे कि कन्फ्यूशनिज्म का आधुनिकता से क्या संबंध है ये मैंने भारत में सीखा कि भारत अपने दर्शन को आधुनिक दृष्टि से कैसे उसको कैसे लगाना चाहता है उन्होंने विशेष नाम दिया प्रोफेसर महालिंगम का जो मद्रास यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन के बड़े भारी दिग्गज गए चीन के अंदर कन्फ्यूशनिज्म पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में परंतु चीन ने उसकी अभिव्यक्ति में सारे संसार में कन्फ्यूशियस सेंटर्स अमेरिका में छोटे छोटे बच्चे चीनी भाषा बोलते हैं कन्फ्यूशियस की सूक्तियों का उच्चारण करते हैं अपने जीवन में चीन का सारे अमेरिका में सारे यूरोप में सांस्कृतिक वर्चस्व भारत की अपेक्षा अधिक है क्यों उनके पास एक ऋषि है कन्फ्यूशियस उसका एक दर्शन है जो उसी की भाषा में सीखते हैं भारत के भी कल्चरल सेंटर्स हैं परंतु कोई दर्शन नहीं केवल योग भारत शरीर ही शरीर है शरीर जो है वो आत्मा से विरहित तो ये जो सारा का सारा मोदी जी का अवतरण है इसको भगवान का संभवाद युगे युगे मैं सुनता हूँ भगवान का अवतरण है उनके रूप से उनका जो चिंतन है वो अंग्रेजी से दूर है ये भारत के बहुत भाग्य का द्योतक है जितना उनके अंदर कर्मठता है वो बड़ी विलक्षण कर्मठता कर्मयोगी भी है वो कालिदास ने रघुवंश की प्रशंसा करते हुए बात की है आप हरोदय कर्म जो सतत काम करते थे जब तक फल की प्राप्ति ना हो फल का त्याग नहीं फल की सीढ़ी एक फल पर पहुंच गए एक सीढ़ी पर पहुंच गए एक मंजिल पर पहुंच गए दूसरी मंजिल आवश्यक है अत्यावश्यक है तो मोदी जी उस मंजिलों को पार करने वाले भारत के प्रधानमंत्री आप देखते हैं कितना कर्म करते हैं दूसरे लोगों को कितना कर्म में लगाए मैं ये क्यों कह रहा हूँ हम जब छोटे थे तो हम स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य समझना चाहते थे तिलक की भगवद गीता जो है कर्मयोग के रूप में जो उन्होंने प्रतिपादन किया भारत के इतिहास में पहली बार कर्मयोग को इतना ऊंचा स्थान फिर गांधी जी की भगवद गीता का विश्लेषण पढ़ा अनासक्ति नॉन अटैचमेंट ये जो नॉन अटैचमेंट है ये कम से कम मुझे नहीं आता अटैचमेंट के बिना संसार नहीं चलता और जो जितनी भी पारलौकिक उपलब्धियां हैं वो शरीर या माध्यम धर्म बिना शरीर के तो मोदी जी उस ट्रांसेंडेंस के भी गुरु हैं और ट्रांजिएंट के भी गुरु हैं
जो चंचल है उसके भी वो स्वामी हैं, और जो शाश्वत है उसके भी स्वामी हैं। भारत के 1200 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आ रहा है, देश का ऐसा नेता आ रहा है जो इसकी सोए हुए स्वप्नों को जागृत करेगा और बिलखते हुए रोते हुए आंसू को दूर करेगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो के एम मुंशी एक बड़े गुजरात के लेखक थे, जय सोमनाथ उन्होंने पुस्तक अद्भुत कार्य पढ़ने वाले, प्रत्येक व्यक्ति को जय सोमनाथ पढ़ना चाहिए। मोदी जी को सब यह नहीं पता मुझे मोदी जी ने पढ़ा कि यदि उन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें नहीं पढ़ा। जय सोमनाथ मुंशी जी ने कहा कि हम यहाँ फिर से शिव मंदिर की स्थापना, निश्चय हो गया। उसके लिए पत्थर जो था वो मेटेराइट स्टोन लाए कहीं दक्षिण अमेरिका से एक बार आए। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने उसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाना था। पंडित जी बड़े अप्रसन्न हुए, बहुत अप्रसन्न, इतने अप्रसन्न हुए कि हमारे पिताजी थे बहुत सोच वाले थे, राजेंद्र बाबू से बड़े अच्छे संबंध थे। राजेंद्र बाबू को कहा क्या तो कि मैं राष्ट्रपति के रूप में नहीं जा रहा हूँ, मैं राजेंद्र बाबू के रूप में। नेहरू जी मान गए, राजेंद्र बाबू गए, कोई सुरक्षा नहीं थी, कुछ नहीं। उस क्षण में प्रश्न उठा के भारत में ये जो हिंदुत्व लगातार आ रहा है, पहले नेहरू जी हिंदी के प्रश्न पर हार गए थे, राजेंद्र बाबू को नहीं चाहते थे वो राजगोपालाचारी को चाहते थे, क्योंकि तो राजेंद्र बाबू हिंदू परक थे, उस पर वो हार गए थे। बहुत बात हो गई, सोमनाथ उनका मन, उन्होंने कहा नहीं भारत में कम्युनलिज्म नहीं चलेगा, सेक्युलरिज्म। जब प्रोफेसर राकेश सिन्हा सूडो सेक्युलरिस्ट की बात करते हैं, मेरे मन में एक प्रश्न उठता, सेक्युलरिज्म सूडो नहीं है, सेक्युलरिज्म इज ए पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ द एंग्लोक्रेसी। जिसको आप एलीट कह रहे हैं उसको एंग्लोक्रेसी कहते हैं। भारत में भी नेवर अ डेमोक्रेसी, वी ऑलवेज हैव एन एंग्लोक्रेसी। आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट इट वाज अ सुपर एंग्लोक्रेसी और ए हाइपर एंग्लोक्रेसी, मगर दैट वी नेवर हैड अ डेमोक्रेसी, कभी लोकतंत्र था ही नहीं, अंग्रेजी कर दी तो उसको एलीट ना कहिए उसको एंग्लोक्रेसी कहिए। उसकी ठीक परिभाषा होगी, आपको पता होगा वो क्या सुनते हैं, क्यों विदेश में पढ़ते हैं। मैं भी विदेश में पढ़ा हूँ, तो कुछ और पढ़ा हूँ। मैं इंडोनेशियन, प्राचीन इंडोनेशियन जहाँ पर सब कुछ संस्कृत है वो पढ़ते हैं। फिर एक बात और कि ये जो एंग्लोक्रेसी इसको किस प्रकार से देखा जाए, सेकुलरिज्म जो है ये शब्द का ही बहिष्कार है। सेकुलरिज्म जो है सोमनाथ की हत्या का दूसरा पर्याय है, इसका अनुसंधान करने की आवश्यकता है। पैराडाइम शिफ्ट नहीं, शिफ्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्टुलाइजेशन का शिफ्ट। प्रत्येक चिंतन हमारा क्या था, इसका शत्रु कौन है। मैं कहता हूँ कि सेल्फ इमेज एंड काउंटर इमेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सेल्फ इमेज। आपको पता होना कि मेरा शत्रु कौन है, लोगों को शत्रु शब्द से थोड़ा डर लगता है, तो मैंने इसको अंग्रेजी में कह दिया सेल्फ इमेज एंड काउंटर इमेज। टू अंडरस्टैंड द काउंटर इमेज इस पैराडाइम शिफ्ट के अंदर, आप काउंटर इमेज को नहीं देखेंगे तो सेल्फ इमेज नहीं बनेगा, आप शिखरों पे नहीं चढ़ेंगे। शिखर जो है वो यहाँ होते, शिखर हाथों में होते, शिखर बाबू की फाइल में नहीं होते, गवर्नमेंट के बजट में नहीं होते,
शिखर सरकार में नहीं होते, शिखर राष्ट्र के एक एक मन में, एक एक हाथ में, पूरे राष्ट्र को कर्म के लिए जागृत करते। तो मोदी जी जो आए वो एक बड़े विराट दर्शन के रूप में आना चाहिए, जो सारा यूरोपियनाइजेशन का दर्शन। एक यहाँ कैलिफोर्निया से प्रोफेसर आए तो 20-25 वर्ष हो गए, तो स्वर्गवासी हो गए, प्रोफेसर हाल्टफास। उनकी उन्होंने भाषण दिया, मेरे मित्र थे, तो मुझे अध्यक्षता के लिए बुलाया। यूरोपियनाइजेशन ऑफ द अर्थ भाषण बोले, बहुत सुंदर दर्शन बोले। यूरोपियनाइजेशन का प्रश्न क्यों, ये 1800 के लगभग, 1806 के लगभग जर्मनी के अंदर जर्मन लोगों ने देखा कि हमारी की सब भाषाएं संस्कृत से ली। उस समय में लगा कि हम लोग तो ग्रीक को, लैटिन को अपना मूल मानते थे, पर अब हमें लगता है उससे भी गहराई के अंदर जाकर संस्कृत हमारा मूल है। तो रोमांटिसिज्म की मूवमेंट आंदोलन चलाए, बहुत बड़ा बौद्धिक आंदोलन था। हेगल जो साम्यवाद के आधारशिला है चिंतन की, मार्क्स के चिंतन की आधारशिला है, और जो यूरोपियनाइजेशन के चिंतन की आधारशिला, उन्होंने इसका विरोध किया। और श्लेगल जो थे, जो रोमांटिसिज्म मूवमेंट के मुख्य नेता थे, वो रोमन कैथोलिक बन गए। उन्होंने कहा नहीं, मनुष्य की सभ्यता सब मेसोपोटामिया से। फिर उन्होंने हेगल का जो चिंतन था, फिशर का चिंतन था, यूरोपियनाइजेशन ऑफ द अर्थ, उसका समर्थन किया। भारतवर्ष में वो सबसे अधिक सफलता रही, सबसे पहले वो सफलता कहाँ आरम्भ हुई, बंगाल में आरम्भ। सारे बंगाल के अंदर बहुत गहराई से धीरे धीरे यूरोपियनाइजेशन का प्रभाव चला। वो उन्होंने देखा कि कांग्रेस जब आई, तो कांग्रेस किसने बनाई थी, ह्यूम ने बनाई थी। कांग्रेस की जब शताब्दी बंबई में हुई तो एक विलक्षण बात थी, जो यूरोपियन लोग थे कांग्रेस के नेता, यानी बेसेंट, ह्यूम, उनके चित्र बड़े बड़े थे, भारतीय नेताओं के छोटे छोटे। राजीव गांधी देश के प्रधानी हुए, उनसे कहा हमारे लोगों के तो फोटो छोटे हैं या दूसरों के बड़े हैं, क्या बात है, कहते मैंने देखा नहीं। आप समझते वो बात प्रधानमंत्री की आप हंसी ओझल थी, नहीं, वो प्रारंभ था जो सारा यूरोपियन प्रेस, सारा अमेरिकन प्रेस, सारा भारत का एंग्लोक्रेटिक प्रेस, एलिटिस्ट प्रेस, एंग्लोक्रेटिक प्रेस, जो मोदी जी के विरुद्ध लिख रहा था कि भारत का यूरोपियनाइजेशन। मैं समझता हूँ कि भारत की, जो भारत की नई ज्योति है वो मोदी जी, हम लोग चाहते हैं वो लंबी आयु तक जिए और इस देश को जो आज तक 1200 वर्ष की खोजा है वो इस वो प्रारंभ हो जाए इसको मिलना, और संसार के देशों की श्रेणी में अग्रगण्य देश, जहाँ भी आप एशिया में जाते हैं भारत है, थाईलैंड में चले जाए भारत, चारों ओर मंदिर ही मंदिर। पैकिंग के अंदर मैंने गिनती करवाई, एक जर्मन लड़की थी, कहती मैं क्या काम करूँ, पैकिंग में एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें गया हुआ था, मैं कहा एक काम करो, पैकिंग में कितने मंदिर हैं इनकी सूची बनाओ। सूची बनाई, टेलीफोन मुझे किया, पैकिंग के अंदर 1600 बौद्ध मंदिर है, 1600 बौद्ध नगरी है बेंजू, सारे एशिया के अंदर स्थित। मोदी जी ने उसको साकार करना है, एक बार फिर से विश्व में भारत जगत गुरु की स्थापना।